हेलो दोस्तों, आज आपको श्रीलंका की रेड मॉस्क के बारे में हम अपने वीडियो श्रीलंका पार्ट 4 में कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां देने जा रहे हैं। तो देखते रहें हमारा चैनल मुसाफिर हूँ यारों। कोलंबो के पेटा इलाके में जो रेड मॉस्क है उसका संगे बुनियाद 1908 में रखा गया था और दोस्तों ये 1909 में बनकर तैयार हुई थी। इस लाल मस्जिद का नाम जामियुल अल्फार है। इस मस्जिद का आर्किटेक्ट बहुत गजब का है, जो सैलानियों के लिए एक खास आकर्षण रखता है। इस मस्जिद के गुंबदों के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये अनार की शेप के हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये अनियन यानी प्याज की शेप के हैं। इस मस्जिद के डिजाइनर हबीबू लब्बे साहिबू लब्बे नाम के एक शख्स थे। मस्जिद की खूबसूरती तो देखते ही बनती है और मस्जिद के करीब करीब इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें हैं जिनमें इलाकाई खाने से लेकर सजावट का सामान और किताबें वगैरह मिलती हैं। हमने मस्जिद की खूबसूरती को, उसकी बुलंदी को अपने कैमरे में कुछ इस तरह कैद किया। श्रीलंका में हमें हर कम्युनिटी के लोग दिखाई दिए जो आपस में बहुत मोहब्बत से और भाईचारे के साथ अमन और अमान के साथ रहते हैं। रेड मॉस्क के अलावा हमने एक और मॉस्क को अपने कैमरे में कैद किया। खूबसूरत श्रीलंका की खूबसूरत यादें लेकर हम आपसे फिर अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, श्रीलंका पार्ट 5। तो देखना ना भूलें हमारा चैनल मुसाफिर हूँ यारो।